हम हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन से मुसलसल भाग रहे हैं। इन्होंने आवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ा, ये आवाम के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं रखते। ऐसा कहना था कि रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का बोलियों से प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि रिजीम चेंज सरकार ने मुल्क को आज अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया। तो हर सूरत में जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमें किसी किस्म की भी जो है कोई एतराज हमारा है नहीं कि ये इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे किस मुंह के साथ और किस कारकर्दगी के साथ। वो भी एक खौफ उनके अंदर पाया जाता है जिससे ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इंतहाबात ना हो सके, कि अब इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही, इनके पास फर्दर आगे कोई फ्यूचर का हल भी नजर नहीं आ रहा, इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर ले आए हैं। और जब तक मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और नई मुंतखब अवामी हुकूमत नहीं आएगी जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, ये मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।